अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम खुर्म शहजाद है और मैं सी पैक इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इकोनॉमिक कंसल्टेंसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर शुरू हो चुका है, और माजी की तरह माजी में जो हमारी इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत ही बुहरान का शिकार रही है, लेकिन आप ये देखें कि इस गवर्नमेंट में और जो हमारे बहुत ही सीनियर जो लोग हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा इस मामले को सीरियस लेके चल रही है। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर चाइना के साथ बहुत अच्छे मौके पे और बहुत अच्छे उन्होंने जो है वो मामला तय कर लिए हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप ये देखेंगे, हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि डिप्लोमेट भी रहे हैं और वो बीजिंग में पाकिस्तान एम्बेसी में भी सर्व कर चुके हैं, और उसके साथ एक और भी एम्बेसी में वो डिप्लोमेट रह चुके हैं, और उसके साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपैक अथॉरिटी है उसके भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं, और उसकी उन उनके ऊपर बहुत ज्यादा कमांड है और उन्होंने इसके ऊपर बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे कि हमारी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें इंडस्ट्री किस तरह से प्रिवेल कर सकती है और किस तरह से इंडस्ट्री जो है वो परवान उसको चढ़ाया जा सकता है सी पैक के हवाले से। और उनका नाम है हसन दाऊद बट साहब, जो कि इस वक्त करंटली केपी के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के सीईओ भी हैं। जी हसन दाऊद साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। तो मैंने जी आपका शुक्रिया। इंट्रोडक्शन तो करा ही है, लेकिन आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा सीपैक के हवाले से अपनी जो आपका नॉलेज है, जो आपकी ग्रिप है, काइंडली उसके बारे में ऑडियंस को बताइए। जी सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक कोई भी डिस्कशन जो कि इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे वो यूजफुल होती है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब कोविड का इम्पैक्ट है, ग्लोबल रिसेशन है और इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटी आई थिंक किसी भी मुल्क के लिए एक स्टिमुलस का रोल कर सकती है, ताकि आसूदगी आ सके, ताकि गुर्बत को मिटाया जा सके, पॉवर्टी एलिविएशन हो सके, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके। जहां तक आपने सवाल किया सीपैक का, तो आपको जैसा पता है कि सीपैक 2013 में कंसीव किया गया था और उसके बाद से उसके अंदर विद पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए गए। इस वक्त 22 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिनकी लागत तकरीबन 28 बिलियन यूएस डॉलर, और तकरीबन 49 बिलियन यूएस डॉलर के प्रोजेक्ट्स उन 28 को मिला के मुख्तलिफ स्टेजेस के हैं, कुछ एमओयू में हैं, कुछ कुछ आगे एक्टिवली प्रमोट किए जा रहे हैं। अभी फेज 2 सीपैक का चल रहा है, जिसके अंदर करंट गवर्नमेंट की फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, एग्रीकल्चर पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे है, और आई थिंक और इवन मैरिटाइम सेक्टर पे है। और ये वो तमाम एरियाज हैं जिन पे अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैरिटाइम सेक्टर, ये खुदा ने हमें इन तीनों सेक्टर के अंदर बे इंतहा एंडाउमेंट दी है, जिसको हम लेवरेज करके इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का टारगेट है। सही। अच्छा हसन दाऊद साहब, ये बताइएगा कि आपके टेन्योर में भी आपने भी सी पैक को बड़ा अच्छे तरीके से उसको आपने जो है वो चाइनीज के साथ नेगोशिएशंस में आपने गवर्नमेंट की तरफ से आपने नेगोशिएशंस की और बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी किए, उसमें भी आप मौजूद थे और आपके पास इसका इसका नॉलेज भी है, आपने आर्टिकल्स भी लिखे। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो हम आम अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सीपैक, और इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किस तरह से प्रमाण चढ़ सकती है, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या एक फर्क है कि आम इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे इंडस्ट्री लगाई जाए या जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां पे जो इंडस्ट्री होती है उसमें क्या फर्क है। और एक और चीज के आम जो हमारे मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पार्टिसिपेट कर सकता है।
जी देखिए, एक किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए और उसको दुरुस्त समत में लेके जाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसकी जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल किए जाए। तो जब आप सही किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करते हैं, चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो या बाहर हो, तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जिसके अंदर बिजली हो गई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, गैस हो गया। तो जैसे आपने कहा कि ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली गुर्बत खत्म करने की तरफ हमें लेके जाता है। और उसके लिए जब हमने इनिशियली इसको आइडेंटिफाई किया, तो ये 2013 के अंदर ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो रोड्स हैं और जो बिजली की कमी है वो मेजर बॉटलनेक्स हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। फिर उस सिलसिले में हमने काफी डिटेल डिस्कशन की, और 2015 में चाइनीज जब कराची में आए, तो उस सिलसिले में हमने मोनोग्राफिक स्टडी भी साइन की उनके साथ, और मैं उसको कल देख रहा था। और उसके अंदर क्लियरली जो है रोड्स, रेलवे, एयरवेज, ऑप्टिकल फाइबर, उन तमाम का रोड मैप एक किया गया, और जिसके मुताबिक हम चल रहे हैं। अब उसके बाद जब ये चीजें अपने तकमील के मराहिल से गुजरती हुई ये अवेलेबल हो गई, स्पेशली बिजली की जो मैं बात करूं, तो उसके बाद अब ये स्टेज आ चुकी है जिसके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। इंडस्ट्री जो होती है वो बेसिकली कह सकते हैं कैटलिस्ट होती है इकोनॉमिक ग्रोथ की। एसएमई सेक्टर उसको सपोर्ट करता है। तो जो इस वक्त गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है वो ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर सपोर्टेड बाय एसएमई सेक्टर एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और इस सिलसिले में एसएमई नेशनल पॉलिसी बन रही है। इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिस समय खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किए, और उसकी कमेटी का मैं इंचार्ज था। जहां तक सवाल है कि एससीजी से बाहर अंदर में क्या फर्क है, एससीजी देखें बेसिकली अगर मैं उसको बहुत आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूं, तो एससीजी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह होते हैं, जहां पर बिजली, गैस, वोकेशनल सेंटर्स, अकोमोडेशन एक अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड की जाती है, और उसके अंदर कुछ मराहत दी जाती हैं, जिसके अंदर कुछ टैक्स हॉलीडेज होती हैं 10 साल के लिए, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी सब्स्टिट्यूशन होती है। और इन तमाम चीजों की वजह से आप एक अपने रिक्वायर्ड इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं, जिसके अंदर एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री हो सकती है, जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो सकती है, R&D की इंडस्ट्री हो सकती है। क्योंकि आप उन जगहों पे जब आप इस तरह ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, तो उसका ये फायदा होगा कि आपने अगर कोई पॉलिसी को टेस्ट करना है तो आप उस जोन के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेशल इंडस्ट्री को, चाहे वो नई इंडस्ट्री है, उसको टेस्ट करना है कि वो आपके नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक कंड्यूसिव होती है, तो आप उसको भी चेक कर लेते। फिर आप इंसेंटिव्स को अपने भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके एक लिमिटेड एरिया के अंदर इंसेंटिव्स आप ऑफर करते हैं और उससे आप देखते हैं कि इंडस्ट्री आगे की तरफ जा रही, तो आप उनको सही करते हैं। तो एससीजी बेसिकली एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है, और वो सही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रमोट करता है। और इस एसईजी के अलावा आपके पास एक्सपोर्ट जोन्स भी होते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स भी होते हैं, और हर एक अपना अपना रोल होता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा हसन साहब, जो एक तो चाइनीज इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज्यादा विलिंग भी है, और सीपैक जो है बेसिकली बनाने का मकसद भी यही था कि वो अपनी इंडस्ट्री जो है वो इस रोड रूट के ऊपर वो अपनी इंडस्ट्री भी शिफ्ट करेंगे चाइना से, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और जो इंडस्ट्रियल पार्क होंगे वहां पे। तो हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा है वो इस वक्त ये यूं खौफ ज्यादा है, क्योंकि मैं चैम्बर का 6 साल से मेंबर भी हूँ और FPCCI की एक कमेटी का मैं वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं हूं मैं। लेकिन उसमें हमारी जो डिस्कशन होती थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उनको ये खौफ होता था कि जब चाइनीज इंडस्ट्री यहाँ पे जो है लगना शुरू हो जाएगी, जैसे अभी राशाकई में एक चाइनीज जो है वो स्टील मिल वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये डर रहा है कि यार हम किधर जाएंगे, और हमें जो है वो जब हमारे रेट्स उनसे ज्यादा होंगे तो हम किस तरह से मार्केट को कम्पीट कर सकेंगे। देखिए, ये सोचना कि क्या ये एक प्लान इसलिए था कि चाइनीज इंडस्ट्री रिलोकेट करेगी, तो आई थिंक ये बेस ही गलत है। और जिस तरह मार्क्सिस्ट थ्योरी है कि अगर आपका बेस सही नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी सही नहीं हो सकता,
तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि चाइनीज रिलोकेशन, देखिए चाइना के पास तो बहुत सारी ऑप्शन है, वो मलेशिया में भी इंडस्ट्री लगा सकता है, वो बांग्लादेश में लगा सकता है, वो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, जहां उसका दिल करे वो लगा सकता है, जहां पर उसको मराहत दी जाए, बिजली सस्ती हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो एक्सपोर्ट करने के लिए उसको। ये सीपैक जो था, और बहुत सारी जगहों पे मैंने ये क्वेश्चन आपका एड्रेस होता है कि क्या ये चाइना के लिए फायदेमंद है या पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है, मेरे मुताबिक, मैं किसी के भी आर्गुमेंट को काउंटर नहीं कर, मेरे मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, और ये पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को लेके जाता है। अच्छा, फिर होता ये कि ये जो फियर आपने जिसका तस्करा किया, ये उस सूरत में हो सकता है जहां पर आपकी इंडस्ट्री वीक हो, या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनको ना फॉलो करती हो। जहां पर जो इंडस्ट्री ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, उनको फॉरन उससे फायदा होता है अपने से स्ट्रॉन्गर पार्टनर के साथ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप हायर रूबा का एग्जांपल ले लें पंजाब में, या किसी भी इंडस्ट्री का जो के जिन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है चाइना के साथ, या किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री के साथ, और सही इम्प्रूव करने के लिए ये किया है, और अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने के लिए किया है, तो उसको हमेशा नुकसान हुआ है। और ये नुकसान सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आप ये देखें, हमेशा फायदा हुआ है सर, नुकसान नहीं हुआ। और ये फायदा चाइना ने भी उठाया है, चाइना ने भी शुरू से, चाइनीज इंडस्ट्री तो नहीं थे ना, उन्होंने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की, अभी भी कर रहे हैं। कल उन्होंने जो फिगर आउट की है उसके अंदर, चाइना के अंदर इस साल मेरे ख्याल अराउंड 30% एंड मोर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है ईयर ऑन ईयर। तो अगर चाइना जैसा मुल्क अपने इतने एग्रेसिव पॉलिसीज बनाता है, और अभी भी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना चाहता है, ग्लोबल इंडस्ट्री को, तो आई थिंक हमें इससे खौफ होने की जगह इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। उससे होगा क्या, उससे तीन चीजें फायदे की होंगी। एक तो ये होगा कि आपकी इंडस्ट्री जब लिंकअप होगी किसी अच्छी इंडस्ट्री के साथ, तो सही वो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे। दूसरा ये होगा कि समझ लें, अगर आप चाइना का एग्जांपल ले लें, और ये चाइना के लिए स्पेसिफिक नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई भी मुल्क आके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते, लेकिन मैं ज्यूम करता हूँ फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कि अगर ये सिर्फ चाइना के लिए भी हो, और अगर इसको चाइना के साथ लिंक करें, तो अगर आप चाइना की मार्केट में हमारे एक्सपोर्टर्स को लिंक कर दें, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो, जब हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे थे, तो हमने वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न बॉर्डर जो है उनको स्टडी किया था, चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर को। ये सही 2017, 16, 17, 15 से शुरू हुआ था, 16, 17 तो हमने विजिट किया था, तो ये हमने रियलाइज किया, और हमारे साथ कुछ टेक्सटाइल के एक्सपर्ट्स भी गए थे, टेक्सटाइल सेक्टर के। हमने ये अंदाजा किया कि अगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ चाइना के वो हॉस्पिटल जो वेस्टर्न बॉर्डर्स में है उनको सिर्फ चादरें प्रोवाइड करे, तो भी वो इंडस्ट्री जो है वो अपने जो आज की वॉल्यूम है उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा काम कर रही हो। तो मैं आपको एक छोटा सा स्कोप बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है ना चाइना में। अब यहाँ पर भी पॉपुलेशन, अच्छा मैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होना एक स्ट्रेंथ भी होता है, वीकनेस भी होता है, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज बनाना मुश्किल होता है जब पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन उससे लेवरेज भी किया जा सकता है, अगर आपकी अच्छी ट्रेंड स्किल्ड लेबर हो, हार्ड वर्किंग, तो वही आपकी। अच्छा, और इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत यूजफुल होता है, इन्वेस्टमेंट जो होती है, इन्वेस्टर होता है वो तीन बिल्कुल या चार चीजें देख रहा होता है, वो ये देख रहा होता है कि कहाँ पर लेबर सस्ती है और अच्छी है, एफिशिएंट है, प्रोडक्टिव है, वो ये देख रहा होता है कि कहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो ये देख रहा होता है कहाँ पे इंसेंटिव्स अच्छे ऑफर किए जा रहे हैं, और ये भी देख रहा होता है कि कहाँ पे मार्केट साइज बहुत बड़ा है। और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि ये चार चारों चीजें अवेलेबल है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट है, इंग्लिश स्पीकिंग है, उनको सही इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का इल्म है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, माला माल है, हमारे पास सही पानी है जिससे आप बिजली सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलर सनलाइट आपके पास अवेलेबल है, विंड आपके पास पॉकेट्स हैं सिंध में, नॉर्थन एरियाज की तरफ जहां पर आप विंड कॉरिडोर्स बना सकते हैं। तो खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस इसको अब सही चैनल की तरफ लेके जाना। सही। अच्छा हसन दाऊद साहब, एक जो फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, और वो जो है यहाँ पे अपनी एक नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में,
तो आप उसको क्या रिकमेंड करती हैं कि वो कौन से एरिया में, सपोज अगर एक जैसे पिछले दिनों यूएसए से एक इन्वेस्टर से मेरी बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे आप रिकमेंड करें कि मैं गवादर में आया कि गवादर में अपनी इंडस्ट्री लगाऊं, या सीपैक रूट में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वहां पे अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करूं, या जैसे राशा कही है, राशा कही की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो राशा जी कही का भी उनको उनकी स्टडी उनके पास थी, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी गाइडलाइंस कुछ देना चाहेंगे आप उनके लिए? देखिए, मैं इस वक्त केपी के बोर्ड ऑफ ये सवाल जो है ना आपका थोड़ा सा गलत इस तरह है कि मैं केपी के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इस वक्त सीईओ हूँ और केपी सर के इसीलिए स्पेशल बोर्ड इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी का सीईओ हूँ। तो मेरा तो जी दिल करेगा कि दुनिया की तमाम इंडस्ट्री उठ के केपी में आके लग। मैं तो सही चाहूंगा ही नहीं कि कहीं और जाए, और मैं इस मामले में बहुत सेल्फिश भी हूं और हर हर सही जगह को, इवन अब मेरे जो कॉलीग्स हैं बीओआई में कि सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में, उनको पता है कि मैं इस मामले में बहुत कंपेटिटिव रखता हूं। हमारी सही पॉलिसीज, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी कॉमर्स एंड ट्रेड स्ट्रेटेजी, हमारी लीडरशिप, वो तमाम चीजें जो है ये प्रैग्मेटिक थिंकिंग के साथ बनाई गई, और लीडरशिप हमारी बहुत ही इस लिहाज से क्लियर है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करनी है, वो पुल फैक्टर क्रिएट करना है कि हमारे पास इंडस्ट्री आ सके। सो आई गेस मुझसे तो ये सवाल आप करेंगे तो मैं कहूंगा कि दुनिया की तमाम इंडस्ट्री आ जाए और हमारे पास आ जाए। अब जहां तक सर सवाल है केपी कि के बोर्ड ऑफ सर नेक्स्ट प्रोग्राम आपका जो मेरे साथ होगा वो केपी के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से होगा कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मौजूद हैं, तो उसके ऊपर हम एक प्रोग्राम सेपरेट करेंगे सर ये नेक्स्ट अब मैं टाइम। बात करता हूँ गवादर की। आई थिंक मतलब जैसा मैंने कहा ना कि खुदा ने हमें बहुत सारी बहुत कुछ नवाजा है, बस उसको सही डायरेक्शन में लेके जाने की जरूरत होती है। अब उस लिहाज से अगर आपने लेट्स से एक्सपोर्ट करना है, और अगर आपने मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करना है, तो आपके लिए साउथ में यू हैव का जोन इन करा धाबे जी, यू हैव जोन इन गवादर। अगर आपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना है, देन यू हैव जोन इन रशिया का। तो हमारे पास तो आई थिंक सब कुछ है, बस एक एफर्ट अभी कोविड की वजह से मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कि ग्लोबली इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस हुई है, लेकिन हम इस चैलेंज को देख रहे हैं इसके लिए थ्रू वेबिनार्स, थ्रू इंटरएक्टिव सेशन, थ्रू यूजिंग आर एम्बेसीज, और कल ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी तस्करा किया, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को यूज करते हुए। इवन मैं तो यहाँ तक, क्योंकि मेरा ताल्लुक कुछ एकेडेमिया से, तो एकेडेमिक डिप्लोमेसी को भी हम यूज करते हैं। हमारे जो प्रोफेसर केपी के हैं, मैं चाइना सेंटर है कुछ यूनिवर्सिटीज में, उनके साथ मैं रेगुलर इंटरेक्ट कर सकता हूँ, करता हूँ, और उनको कन्विंस करता हूँ कि आपका कोई भी सेमिनार हो उसके अंदर आप केपी के जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनको जरूर हाईलाइट करें और हमारे एम्बेसडर के तौर पर रहें। तो आई थिंक थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना है इन हालात में, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड है, फर्स्ट टाइम है कि इतने लंबे अरसे के लिए कोई पेंडेमिक जो है वो ग्लोबली इम्पैक्ट कर रही है। और मेरे ख्याल में कि हमारे अभी तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में सिचुएशन नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है। अल्लाह करे कि किसी तरह ये बीमारी दूर हो सके और हम नॉर्मल एक लाइफ और न्यू नॉर्मल में आ सके। एक चीज जरूर मैंने सर आपको हाईलाइट नहीं की, मैं जरूर हाईलाइट करूंगा कि मैं चूंकि सेक्रेटरी भी हूँ ई कॉमर्स काउंसिल का केपी की, तो उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा रिसर्च की थी, और हमें पता चला कि जो ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट है, गुड्स वर्क और सर्विसेज का, वो भी काफी इन्हांस हुआ है पेंडेमिक के दौरान। और सबसे अच्छी बात उसमें ये थी कि बहुत सारी ख्वातीन एंटरप्रेन्योर्स जो के यूजिंग देयर लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, वो भी काफी प्रोडक्ट्स को, फार्मा डिस्कशन को, मेडिकल सर्विसेज को ग्लोबली प्रोवाइड कर रही हैं। तो आई थिंक पोटेंशियल बहुत है और इस पे काम भी हो रहा है, और गवर्नमेंट दुरुस्त पॉलिसीज इसकी तरफ लेके जा रही है। एक नेशनल कंसेंसस है कि हमें सही इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है। अच्छा हसन साहब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे इकोनॉमिक जोन्स हैं और जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, ये सीपैक रूट के ऊपर अगर आप जाते जाएं और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो गवादर है, तो आपके एनालिसिस के मुताबिक
हमारे आने वाले जो 5 साल हैं या आने वाले जो 10 साल हैं, आप यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री को आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये नंबर देना तो शायद किसी भी इकोनॉमिक या इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स के लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माय लिटरेचर रिव्यू के वो क्या मेयर्स हैं जिसके नतीजे में इंडस्ट्री यहाँ पर आ सके। तो एक तो मैंने आपको कहा कि आपके जो इंसेंटिव्स हैं वो कंपेटिटिव होना चाहिए, रीजनली कंपेटिटिव होना चाहिए। आपने नोटिस करना है कि आपके जो रियल कंपेटिटर्स हैं बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया, वो क्या इंसेंटिव्स ऑफर कर रहे हैं, और अगर आप सही इंसेंटिव्स दे देंगे तो आपने ये। दूसरा ये कि आपको जो यूटिलिटीज हैं बिजली गैस वो 24/7 प्रोवाइड करनी है, सस्ती प्रोवाइड करनी है ताकि इंडस्ट्रीज का पहिया चल सके। तीसरा ये कि आपने इंश्योर करना है कि सिक्योरिटी रहे, बोथ फाइनेंशियल एंड पर्सनल सिक्योरिटी वो इंश्योर करनी है, और इसके अलावा ये कि आई थिंक कॉस्ट ऑफ लैंड को मैनेज करना है क्योंकि लैंड एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में किसी इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए। तो आई थिंक ये 3-4 स्टेप्स हैं जो कि आपने करने हैं इसके नतीजे में वो। और दूसरा ये कि आउटरीच करना है, आपने जिस तरह अभी दुबई के अंदर एक्सपो हो रहा है, बीजिंग के अंदर चाइना के अंदर बाओ फोरम हो रहा है, नेचुरली कोविड में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अदरवाइज आपने बहुत ज्यादा बाहर जाना है, अपने जो ट्रेड टीम्स होती हैं उनको भेजना है इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, टीडीएफ, बीओआई, प्रोविंशियल एंड फेडरल, इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये सब चीजें हो जाएंगी तो मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने आपको कई दफा कह चुका हूँ, तो इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आपने चाहे आयरन ओर प्रोड्यूस करना हो, आपको जेम स्टोन चाहिए, आपको कोल चाहिए, वो तमाम चीजें आपको अवेलेबल है, एनर्जी थ्रू वाटर अगर आपने प्रोड्यूस करनी है वो सब है आपके पास। बस ये कि आपने 4-5 चीजें कर लें तो कुछ हो जाएगा, और आपके पास वेस्टर्न कोर्स, वेस्टर्न जो आपका बॉर्डर है, वेस्टर्न रूट जिसे आप कहते हैं, उसके पास बहुत ज्यादा लैंड मास अवेलेबल है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दिस। इसके अलावा एक सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है नेक्स्ट 10 ईयर्स, वो एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके अंदर फार्मिंग ही होगी, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी, फॉर एग्जाम्पल ऑलिव की एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। उसके बाद जब एक्सट्रैक्शन का टाइम आ गया है तकरीबन, या अगले 1-1.5 साल में आ जाएगा, तो उसमें आपने इंसेंटिव देने हैं ताकि वो इंडस्ट्री जो कि उन उनके एक्सट्रैक्शन की तरफ जाए, उनके एक्सपोर्ट बॉटलिंग की तरफ जाए, उनको मराहत दी जाए। ये एक पूरा एक सप्लाई चेन होना चाहिए, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स हब्स होने चाहिए जो ये चीजें एड्रेस करें। ठीक। तो हसन दाऊद साहब, आज आपसे एक फ्रूटफुल डिस्कशन हमारी इंडस्ट्रियल कॉपरेशन अंडर सीपैक के हवाले से बातचीत हुई, और नेक्स्ट प्रोग्राम आपके साथ हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के हवाले से केपीके में जो मवाके हैं तो उसके हवाले से होगा, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी ऑडियंस जो कि हमारे चैम्बर्स के जो मेंबर्स हैं वो भी इसको देख रहे हैं, और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो चैम्बर्स के साथ रिलेटेड हैं वो भी इसको देखेंगे, और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी देखेंगे, ताकि और मजीद ज्यादा से ज्यादा रुझान जो है वो हमारे मुल्क की तरफ आए और जी, हमारे मुल्क में आपकी एक बात पाकिस्तान। मैं बस मेरा ख्याल आप खत्म करना चाह रहे, तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इस मौके पे FPCCI और जितने भी चेंबर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपस में सेनर्जी डेवलप करें BOIs के साथ, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। मैं आज सुबह मैंने देखा था कि दागा साहब को FPCCI ने अपनी थिंक टैंक का हेड बनाया, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। इसी तरह तमाम चेंबर्स को चाहिए, प्रोविंशियल जो मेन चेंबर्स हैं, कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएं या और उसको लिंक करें अपने प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ। अगर ये चीजें छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, और ये ग्लोबली होती हैं। अभी इनशाला मैं इन नेक्स्ट 10 डेज हम केपी की मैं CM साहब से अप्रूवल लेके हमने प्रिपेयर कर लिया, अभी उसको फाइनल उसकी वेटिंग हो रही है, तो हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी 5 साल की भी इंशाल्लाह अनवील कर देंगे, और आप देखेंगे कि उसके अंदर हम अपने लिए टारगेट सेट करेंगे हर साल के लिए, ताकि वो अचीव किए जा सके, और अगर ना अचीव हो जरूर, सके तो ताकि फिर हम मजीद कुछ सोचें कि किस क्या गलती है, कहाँ पे हुई। सही सही सही। तो इंशाल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, बहुत ही थैंक यू। जो है नॉलेज आपने जो शेयर किया हमारी ऑडियंस के साथ, और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा आपके साथ जो है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के हवाले से, जो भी वहां पे केपीके में जितनी वहां पे एक पूरा एक वैक्यूम मौजूद है,
ताकि उसको हम हाईलाइट करें और जो बाहर का इन्वेस्टर है वो हमारे मुल्क में आए और केपी में आपकी तरफ आए, और आप जो है चूंकि एक बहुत अच्छा जो काम कर चुके हैं सीपैक के हवाले से भी और इस वक्त बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी अपना जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो आखिर में आप जो है हमारे जो एक काविश है कि एक हम ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं, एक छोटी सी काविश है हमारे बारे में, आप कुछ एक लास्ट में कमेंट्स दे दें ताकि उसके बाद फिर हम खुदा जी हाफिज बात खुरम कर साहब, सकें। आई थिंक आप जो कर रहे हैं ये नीड ऑफ द आवर है। ये इस तरह की डिस्कशन इकोनॉमिक फ्रंट सही पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, हर फ्रंट पे होनी चाहिए। और इससे देखें, जो चीज़ हमारी एक वीक एरिया रहता है वो ये होता है कि हम लेसन लर्न्ड जो होते हैं आर्काइव नहीं करते। और आप जैसी ये डिस्कशन है अभी, आई एम श्योर कहीं ना कहीं लाइव भी चल रही होगी, तो इसमें जो पॉइंट्स हाईलाइट हो उनको एज लेसन लर्न्ड हम लिखें अपने पास और रखें। और जैसा मैंने आपको, हर चेंबर के अंदर ऐसे एक सेटअप होना चाहिए जहाँ के अंदर वहाँ जितने भी गलतियाँ भी होती हैं ना, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, आप इनिशिएटिव्स करेंगे, उसमें गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों से सीखने से आदमी इम्प्रूव होता है। तो ये एक सही आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमारे ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में और ओवरऑल हमारे जो चेंबर्स हैं उनके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में होना जरूरी है कि हमारे पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बहुत। और मैंने ये चीजें, मैं कोई इसमें एक्सपर्ट इसलिए हूँ कि चले मैं एकेडेमिया से लिंक्ड हूँ, लेकिन ये चीज मैंने चाइना में सीखी, वियतनाम में सीखी। और मैंने वहां पे, जब मैं एम्बेसी में था, तो मैंने देखा कि वहां पर हर जगह पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आई थिंक आप जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसी तरफ राइट स्टेप है। और आप देखेंगे कि हर डिस्कशन से नए पॉइंट्स निकलेंगे और ये पॉइंट्स आगे जाके किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आप गवर्नमेंट के साथ, बिजनेस लीडर्स के साथ शेयर कर सकते। सही सही हसन दाऊद साहब, आपका मैं शुक्रिया एक बार फिर से अदा करूंगा, और नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह आपके साथ हमारा केपी के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के हवाले से होगा। आपका बहुत शुक्रिया हसन साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।